आप गुप्तकाशी से सोनप्रयाग आओगे ना, सोनप्रयाग से पास आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है 50 रुपीज़ में, और गौरीकुंड के बाद तो केदारनाथ चलते जाना है। ये जर्नी का सफ़र होता है, आपको पहले आना है हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश आना है, ऋषिकेश से आपको मिलेगी बस भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी, ऐसे आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, मैं कल इतना काला था लेकिन यहाँ पे जब से आया हूँ कल गोरा बन गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रोहित एंड वंडरिंग रूबी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको दिखा रहा हूँ सुबह का नज़ारा, पहले देख लेना। ठीक है यार, कितना असम पहाड़ी वाला एरिया है, पूरा बर्फ वाली पहाड़ है वहाँ पे सारे। और मैं हूँ अभी गुप्त काशी में, कल रात उस मंदिर में रुका था, अभी निकल रहा हूँ मैं केदारनाथ के लिए, लेकिन आपको लोकेशन दिखाना था इसलिए रुक गया था। ठीक है, अभी निकलते आगे हिच चेकिंग करके, और ठीक है अभी मैं चलते ही जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो देखता हूँ हिच चेकिंग मिलता तो हिच चेकिंग चले जाएंगे, क्योंकि आगे जाके रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग से वहाँ से चलते जाना है केदारनाथ के लिए 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे सोच रहा हूँ अभी मैं हिच चेकिंग कर लूँ, अगर दोपहर तक पहुँच जाता हूँ तो थोड़ा वहाँ पे रेस्ट करके फिर चलते जाएंगे। 15 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है, केदारनाथ जी के पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है यार, 15-16 किलोमीटर बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वो वाला सफ़र जो है वो बहुत ही हार्ड है और बहुत ही एक अच्छा वाली फीलिंग देती है। देखो यार, पूरे बर्फ वाली पहाड़ दिख रहे ऊपर, ओ पूरी वहाँ तक है। अभी वहाँ पे बादल छा गए, अभी भी मैंने देखा कि वहाँ पे पूरा बर्फ वाली पहाड़ थी। मैं कल इतना काला था लेकिन यहाँ पे जब से आया हूँ कल गोरा बन गया, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ना बहुत कोल्ड है, काले से गोरा बन जाते हैं यहाँ के लोग, हमारे जैसे जब बाहर से आते हैं ना काले कल उठे। यार सुबह का सच में अच्छा मौसम है, सोच रहा हूँ यहीं से चलते जाऊँ, लेकिन कल पुलिस वाले ने मना किया ना कि पत्थरबाजी भी होती है ऊपर से, तो चलते मत जाओ। अब देखते हैं कब तक लिफ्ट मिलेगा, आगे चलते जाएंगे। और नीचे का नज़ारा देखो, गंगा मैया कितनी तेज़ी से बह रही है, हालांकि यहाँ पे गंगा मैया बहुत छोटी है, आगे जाके बड़ी हो जाएगी क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है ना, तो पानी तेज़ी से बहता है। गाइस मुझे लिफ्ट मिला था लगभग 10 किलोमीटर के लिए गुप्तकाशी से फाटा तक 10 किलोमीटर, तो बिपिन भैया ने लिफ्ट दिया था, इनका थैंक यू। और आगे की शुरुआत अभी करेंगे यहाँ केदारनाथ की। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, ओके, शुभ यात्रा। तो भाई सब चलते चलते 10 किलोमीटर आ चुका हूँ गुप्तकाशी से, अभी आगे का रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है क्योंकि रास्ते बहुत यहाँ पे ख़राब हो चुके हैं, फिर भी गवर्नमेंट का काम चल रहा है। यहाँ से सोनप्रयाग लगभग 13 किलोमीटर दूर है, वहाँ से गौरीकुंड है 6 किलोमीटर, मतलब लगभग 19 किलोमीटर वहाँ से, और केदारनाथ जी का जो वहाँ से ऊपर है 16 किलोमीटर। तो इतनी सारी चढ़ान है, चढ़ने वाला हूँ मैं आज, और अभी निकल चुका हूँ, मैंने नाश्ता भी था सारा करके, अभी आगे की जर्नी, बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे मैं पहाड़ बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, एक्चुअली कभी भी लैंडस्लाइड होती है ना तो थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ से अभी बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ के गए। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं सोनप्रयाग, आप देख सकते हो अभी बस स्टैंड लास्ट वाला, ठीक है आगे रास्ता जाता है केदारनाथ। ठीक है, यहीं से सारे बस बड़े बड़े गाड़ी यहीं पे रुकती है, आगे उनको जाने नहीं देते, यहीं से केदारनाथ जी की जर्नी शुरू होती है। पूरा पहाड़ियों में बसे है महादेव, इसके आगे कोई बस नहीं जाती, कोई वाहन नहीं जाती, हालांकि प्राइवेट वाहन यहाँ से जाती है 6 किलोमीटर तक गौरीकुंड तक, लेकिन उसके बाद केदारनाथ जी की जो दर्शन करना है हमें तो ऊपर चलते जाना पड़ेगा। ऊपर ऑप्शन है घोड़ा और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, आप घूम सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ आगे कहाँ पे तो कैंपिंग करूँगा, और उसके बाद कल सुबह सुबह जो पहाड़ है चढ़ाई होगी, चढ़ेंगे मैं करूँगा वहाँ पर, ठीक है। तो कल तो दर्शन करूँगा केदारनाथ जी की, और उसके बाद देखते हैं, अभी तो निकल रहा हूँ, आगे का रास्ता आपको दिखा देता हूँ, कितना छोटा रास्ता है, अभी लैंडस्लाइड भी कभी भी हो सकती है गंगा मैया। यहाँ से जर्नी शुरू हो चुकी है केदारनाथ धाम की, वहाँ पे आगे साइन बोर्ड देख लो, लिखा है केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। मैंने यहीं पे खाना खाया, अभी चढ़ेंगे पहाड़। तो भाई साहब देख लो यार, कितना तेज़ी से गंगा मैया बहती है, साफ़ सुथरी, बहुत सफेद पानी है, एकदम साफ सुथरा पानी यहाँ पे। गाइस यहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड के बाद आपको केदारनाथ चढ़ते जाना पड़ता है, 50 रुपये लेते हैं यहाँ से टैक्सी के लिए। ठीक है, ये हुई गाइस शुरुआत ट्रैकिंग की। तो गाइस फाइनली हमें एक रूम मिला है गौरीकुंड में, लगभग 250 का एक पर पर्सन, क्योंकि हम इतने सारे ग्रुप बनाए, नीचे मिले इतने सारे हमारे दोस्त नए वाले, ठीक है इनसे ग्रुप बना, उसके बाद ग्रुप के हिसाब से हमने रूम लिया है। एक रूम का 1500 रुपीज़ है, तो हमने डिवाइड करके अगर उसका पर पर्सन पड़ता है 250 रुपीज़, कम्फर्ट है। अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड का जो हॉट वाटर स्प्रे है ना वहाँ पे देखेंगे यार सच में गर्म पानी मिलता है कि नहीं। ठीक है, सारे हमारे नए दोस्त है, सब MP से। ठीक है, ये वाला रूम है, रूम भी अच्छा खास ठीक है, क्योंकि ना
इतने सस्ते में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ऊपर फैन भी है, सारे इक्विपमेंट है यहाँ पे, देखो चार्ज भी आराम से लगा सकते हो। मैंने अभी पावर बैंक यही छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि ना चार्ज नहीं था, कल से दिक्कत आ रही थी मेरे को पावर बैंक। हालांकि गिम्बल लेके जाऊँगा, ब्लॉक के लिए लगेगा। सच में गर्म पानी है क्या? तो गाइस ये है गौरी कुंड, यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे को पता नहीं पानी गर्म है कि नहीं, नीचे जाके देखना पड़ेगा। तो गर्म है सही में। तो गाइस यहाँ पे तो नहा नहीं सकते, हालांकि नहा भी सकते हैं, बहुत गर्म है भाई साहब। गाइस देखते यार गर्म है कि ठंड है। भाई साहब सच में, अरे बहुत गर्म है पानी। भाई साहब बहुत ज्यादा गर्म, लाल हो गए पैर, बहुत गर्म पानी यहाँ पे। अरे रे धक्का लग रहा है पानी का। उस साइड में लेडीज के लिए होगा, इस साइड में जेंट्स के लिए होगा शायद, कुछ पर्दा लगा रखा है। पानी तो बहुत गर्म है यहाँ पे, टेम्परेचर मतलब 80-90 डिग्री तो आराम से है, क्योंकि ना 5 सेकंड पे अंदर नहीं रुक सकते आप, बाहर आने पड़ते थे। अभी गए नहीं कि भाग गए, बाहर आ गए भाई साहब। बहुत ही गर्म पानी है, पानी उबलता है ना उसके ऊपर बाष्प निकलता है ना, वैसे यहाँ निकल रहा है। और एक बार हम जाएंगे बहुत गर्म है सच में, गर्म नेचर वाली हॉट वाटर। क्या हुआ मेरे दी? गर्म पानी है, जाओ एक बार चेक करो कैसा लग रहा है। भाई ये तो गौरी की तरह गर्म है यार। बहुत गर्म है गौ। दोस्तों गौरीकुंड हमने देखा, वहाँ पे सच में गर्म पानी था यार, बहुत चटके लग रहे थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे पुलिस वाला आया कि अलाउड नहीं है, तो मैंने शूट बंद कर दिया। उसके बाद गंगा मैया के साइड में आके रुके, यहाँ पे यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं ना सारे लोग, यहीं पे हमने 2-3 फोटो भी क्लिक किया है, यहीं पे रुका हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद फिर वापस जाएंगे हमारे रूम।